हेलो बच्चों, अपना आज का टॉपिक है 10th में इंडिकेटर्स, है ना। अपन इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ कलर चेंज शो करते हैं। जैसे एसिड में अलग कलर चेंज होगा और बेस में अलग कलर चेंज होगा, इससे अपने को पता चल जाता है कि वो जो सॉल्यूशन अपने को दिया गया है वो एसिड है या बेस। अब इंडिकेटर्स के तीन टाइप है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो फर्स्टली अपन बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर्स जो अपने को नेचुरली मिलते हैं, मतलब जो अपन नेचर से प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो इंडिकेटर्स होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल होता है लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन अपन एक लाइकेन होता है, ठीक है, तो लाइकेन से अपन लिटमस सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं और उस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। अपन ने पढ़ा है लिटमस का यूज़ किया जाता है, अगर एसिड होता है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस होता है तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो इस तरीके से लिटमस का यूज़ किया जा सकता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद आती है टर्मेरिक। टर्मेरिक अपने घरों में पाई जाए, घर में है हल्दी। हल्दी का यूज़ कैसे किया जाता है एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने में? तो जब भी हल्दी पे आपको पता है साबुन लगता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। अगर आप हल्दी को एक वाइट क्लोथ पे डालें थोड़ा सा और उसके ऊपर साबुन अगर लग जाए तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो मतलब बेस के साथ टर्मरिक क्या करती है, कलर चेंज शो करती है। और जब इसको लगातार पानी से धोया जाता है तो वापस से ये कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं रेड कैबेज। तो रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसके भी अलग अलग कलर शो होते हैं बेस के साथ, है ना। उसके बाद बात करते हैं इसके अलावा और भी नेचुरल इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे टी, बीट रूट जूस और भी बहुत सारे हैं, ग्रेप्स, है ना, ग्रेप जूस। एक होता है हाइड्रेंजिया फ्लावर। हाइड्रेंजिया फ्लावर ये मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैंने आपको अलग से लिखा है हाइड्रेंजिया फ्लावर। हाइड्रेंजिया फ्लावर की ये किस तरीके से अपने को बताता है कि चीज़ें एसिडिक है या बेसिक है? तो एसिड सॉइल में अगर इसको ग्रोथ किया जाता है, मतलब एसिडिक सॉइल में अगर इसको ग्रो किया जाता है तो वहां पे ये होता है ब्लू कलर का, और जब इसको बेसिक सॉइल में ग्रो किया जाता है तो वहां पे ये होता है ब्लू रेड कलर का। मतलब दोनों कलर अलग अलग है तो अपने को पता चल सकता है कि अपन जो सॉइल यूज ले रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक। उसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। क्या होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर? ऐसे इंडिकेटर जिनको आप लेबोरेटरी में बना रहे हो या जिनको आप केमिकली बना रहे हो वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब ह्यूमन मेड इंडिकेटर। तो ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स में एक आता है मिथाइल ऑरेंज और एक आता है फिनोफ्थेलिन। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन, तो फिनोफ्थेलिन जैसा कि क्या होता है कि फिनोफ्थेलिन अगर बेस में प्रेजेंट रहता है, बेस में अगर फिनोफ्थेलिन के साथ अगर बेस की रिएक्शन होती है तो पिंक कलर जनरेट होता है। तो फिनोफ्थेलिन कैसा कलर देता है बेस के साथ? पिंक। जबकि एसिड के साथ क्या रहता है? कलरलेस रहता है। ओके, मिथाइल ऑरेंज के केस में भी इसी तरीके से कलर चेंज देखे जाते हैं, एक तो रेड कलर शो करता है और एक येलो कलर शो करता है मिथाइल ऑरेंज, है ना। मिथाइल ऑरेंज भी एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर शो करता है। उसके बाद बात करते हैं आप ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स जो जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। एसिड और बेस का पता कैसे लगाया जाता है? उनकी स्मेल से। ऑल्फैक्ट्री का मीनिंग होता है ऑडर, ऑडर का मीनिंग होता है स्मेल, उसकी गंध। तो गंध जो होती है वो चेंज हो जाती है। ऐसे इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इनमें अगर ऑनियन की बात की जाए, प्याज, तो प्याज जो होता है वो बेस में अगर प्याज को डाला जाए तो उसकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, जबकि एसिड में एज इट इज रहती है। ऐसा कैसे वनीला एसेंस के साथ होता है? वनीला एसेंस की स्मेल जो होती है वो बेस में चेंज हो जाती है और कम हो जाती है, जबकि एसिड में ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है। वनीला एसेंस की नॉर्मल स्मेल होती है। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, जो लौंग होते हैं, लौंग का ऑयल जो होता है, तो क्लोव ऑयल की स्मेल जो होती है वो बेस में कम पड़ जाती है, या बेस में आप क्लोव ऑयल की स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि एसिड में एज इट इज रहती है। तो ये तो होते हैं तीन टाइप के इंडिकेटर्स, है ना, नेचुरल इंडिकेटर हो गया, सिंथेटिक हो गया और ऑल्फैक्ट्री हो गया। उसके बाद अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्या दे दिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड,
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने आपको सैंपल दे दिए, मैंने मैंने कहा कि आप मेरे को बताओ कि आपके पास चार इंडिकेटर है ना, एक तो ब्लू लिटमस, रेड लिटमस और फिनोफ्थेलिन, है ना, तीन ही मान लो आप, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, चार इंडिकेटर्स हैं, तो कैसे कैसे कलर चेंज देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें, इस बेसिस पे आई थिंक आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इंडिकेटर्स अपने को पता है। तो इंडिकेटर्स के बेसिस पे जैसे अपन एक ही ग्रुप कर देते हैं, एसिड का ग्रुप लिटमस वाले, तो लिटमस से एसिड का ग्रुप कैसे होता है, तो लिटमस जो होगा अपन अगर ब्लू लिटमस लेंगे तो वो एसिड क्या कर देंगे, उसको रेड कर देंगे, जबकि रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिनोफ्थेलिन में कलर दे देता है, और मिथाइल ऑरेंज में बात की जाती है एसिड की प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये अपन एसिड्स में देखेंगे, बेस में ब्लू लिटमस तो क्या रहेगा, सेम, रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिनोफ्थेलिन बेस में पिंक कलर शो करता है, और मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है। तो इस तरीके से अपन इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इंडिकेटर के बेसिस पे। इंडिकेटर्स अपने को इनके में कलर चेंज बताते हैं, और अपन कलर चेंज के बेसिस पे बता सकते हैं ये एसिड हो गए, ये बेस हो गए। ओके।